सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिली, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, नो कमीशन आफ्टर मैरिज, फ्री रिश्तो मीट विद रिफ्रेशमेंट्स। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों उल्लासनगर शहर में कैपिटल वैल्यूड प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हंगामा शुरू है, जहां कैपिटल टैक्स को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इसका विरोध करते हुए पूर्व नगर सेवकों को आड़ियात लेते हुए शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख ने कई बातों का खुलासा किया। साथ ही साथ प्रशासन को भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी नागरिक से जबरदस्ती कैपिटल वैल्यूड प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की गई तो अधिकारियों को मन से स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। आइए जानते हैं मन से शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख जी कैपिटल वैल्यूड प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या बता रहे हैं। हमारा कैपिटल टैक्स लगाने के लिए विरोध नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें है। जैसा इन्होंने 0.91% लगाया गया है, उसमें क्या हो रहा है, टैक्स का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें हमारी मांग ऐसी है कि 0.40% लगाओ, कि आज का जो टैक्स है उस टैक्स के हिसाब से वो टैक्स पब्लिक को आ जाएगा। सबसे पहली बात, ये कैपिटल टैक्स का ठहराव स्थायी समिति और महासभा में 2016 में किया गया था। 2016 के बाद उल्लासनगर महापालिका ने कम से कम 6 से 7 बार अभय योजना लाया। अभय योजना लाने के बाद हमारे से पब्लिक से टैक्स भर के लिया, उस पब्लिक को नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया और उनको लिख के दिया है कि तुम्हारा कोई भी टैक्स महापालिका का कोई भी टैक्स आपके ऊपर बाकी नहीं है। जब हमारा कोई टैक्स बाकी नहीं है तो आप 2016 से अभी तक का थकबाकी जो है किस बात का मांग रहे हो। सबसे पहली बात, इन लोगों ने जो महानगर पालिका अधिनियम 99 है उसमें ऐसा है कि 20 फरवरी से पहले महानगर पालिका ने टैक्स का फिक्सेशन करना चाहिए। वो जो टैक्स का फिक्सेशन है वो 2016 से 2022 तक हुआ नहीं है, तो फिर ये किस हिसाब से आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो। 2016 से आप लोग सोए थे क्या, तब हमने क्यों नहीं किया। जब तुमको कैपिटल टैक्स लगाना ही था तो तुमने फिर 2022 में क्यों लगाया, 2016 से क्यों नहीं लगाया। और आज विरोध कौन कर रहा है, जिन लोगों ने महासभा में बहुमत से ये ठहराव पास किया कि कैपिटल टैक्स लगाया जाए, वही लोग कैपिटल टैक्स पे आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो लोग कैपिटल टैक्स का विरोध कर रहे हैं। तो जब तुम सभागृह में बैठे थे तभी तुमको मालूम नहीं था क्या ये कितना लगने वाला है, टैक्स कितना बढ़ने वाला है, ये सब चीज़ें तुमने तभी करनी थी। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में सिर्फ 2 महानगर पालिका में कैपिटल टैक्स लागू है, एक मुंबई महानगर पालिका और दूसरी पनवेल महानगर पालिका। अभी हमारी मांग ऐसी है कि जब माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में 500 स्क्वायर फीट के घरों को टैक्स माफ, हाउस टैक्स माफ किया है। तो ये कैपिटल टैक्स लगाने से पहले आप उल्लासनगर में जितने 500 स्क्वायर फीट के अंदर प्रॉपर्टीज है उनको हाउस टैक्स माफ करो। हाउस टैक्स माफ करने के बाद आप कैपिटल टैक्स लागू करो, हमारा अपोज नहीं है। लेकिन जो मुंबई महानगर पालिका फैसिलिटीज दे रही है वो तुम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। पहले लोगों को मूलभूत सुविधा जो है मुंबई महापालिका की तरह लागू करो, उतनी फैसिलिटीज दो, उसके बाद आप कैपिटल टैक्स लागू करो, हमारा अपोज नहीं रहेगा। जो शासन का एक जीआर है वो मैडम के घर से नहीं दे रही है, ये गवर्नमेंट का रूल है कि जो 500 स्क्वायर फीट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको जूने टैक्स के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। 500 स्क्वायर फीट के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको कैपिटल टैक्स लगेगा। कैपिटल टैक्स क्या है कि 2016 में जो गवर्नमेंट का रेडी रेकनर का रेट था उस रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से 0.91% ये टैक्स लगाया जाएगा। अभी 2016 में मैडम थी क्या, नहीं थी। 2016 में जब ठहराव हुआ
तभी तो मैडम नहीं थी। तो मैडम आज जो बात कर रही है, तो जब अभय योजना लगाई तो यही मैडम ने कमिश्नर से एक सर्टिफिकेट लेके खुद की फाट फाट थपथपा के ली, जबकि 17% टैक्स वसूल हुआ था, 83% टैक्स आज भी लोगों के पास थक बाकी है। तो मैडम ने इसके ऊपर क्या काम किया है? मैडम को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, लोगों को दोष देने से पहले आप पहले जो प्रशासन है उसको अंदर जाग के देखे कि प्रशासन क्या कर रहा है। आपने अभय योजना लगाई थी, अभय योजना में हम लोग ने टैक्स भरा है, आपने हमको नोटिस दिया है, तो फिर टैक्स किस बात का मांग रहे हैं आप हमारे पास? जब हमारी थकबाकी नहीं है तो किस चीज की थकबाकी मांग रहे हो आप? राजेश वदारे जी मेरे दोस्त है, राजेश वदारिया ये नगर सेवक है, सभागृह का एक हिस्सा है। जब कोई ठहराव आता है तो नगर सेवक क्या आग बंद करके वोटिंग करते हैं क्या? उनको वो ठहराव पढ़ना चाहिए था, तभी उनको देखना चाहिए क्या उसमें वो चीज़ है क्या नहीं है, ये कितना परसेंट लगाया जाएगा। उन्होंने कहना चाहिए था इसमें कितना परसेंट टैक्स लगाया जाएगा, इसमें मेंशन नहीं है। आप एक काम करो, इसमें मेंशन करके ये ठहराव अगली महासभा में लाओ, ये मांग कर सकते थे। लेकिन तभी उन्होंने इस कैपिटल टैक्स के साइड से वोटिंग किया और आज वो बोल रहे हैं कि हमको मालूम नहीं था, ये गलती किसका है, प्रशासन का है कि नगर सेवक का है? एक वधारिया जो को देखना चाहिए था, वो तभी इन्होंने देखा नहीं। तो उस वक्त अगर इन्होंने नहीं किया और आज ये ऐसी बात कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए। वधारिया जी यानी कैपिटल टैक्स के साइड से वोटिंग किया है तो उन्होंने बोलना चाहिए था कि अगली महासभा में लाओ। अगली महासभा में अगर वो मेंशन करके आता था तो आज ये नौबत आती नहीं थी। ये लोगों को गुमराह करने का काम चल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसका अपोज कर रही है, हमारा कैपिटल टैक्स को अपोज नहीं है। हमारा कहना है कि 0.91% के बजाय 0.40% टैक्स लगाओ, हमारा सपोर्ट है। सबसे बड़ी बात, अगर ये कैपिटल टैक्स लगता है तो ये 2022-23 से लगाया जाए, 2016 से लगाया नहीं जाए। 500 स्क्वायर फीट तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको ये टैक्स माफ़ किया जाए, उसके बाद ये टैक्स लगाया जाए। हमारी बहुत सारी मांगे है, आप हमारे साथ बैठो, बात करो और उसके बाद में उसके ऊपर डिसीजन लो। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर महानगर पालिका का कोई भी कर्मचारी कैपिटल टैक्स वसूल करने के लिए किसी भी आदमी के ऊपर जोर जबरदस्ती करता है तो उसको मन से स्टाइल से जवाब दिया जाएगा, ये मैं प्रशासन को आगाह करता हूँ। 4 अप्रैल को महानगर पालिका के नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद प्रशासन आ गया, प्रशासक आ गया। नगर सेवकों को क्या लगा था कि हम लोग का फरवरी में चुनाव हो जाएगा, बाद में अप्रैल में ही टैक्स आएगा तो हम लोग छूट जाएंगे। अभी ये भगवान ने इनके साथ ऐसा चीज किया। पर 2016 से कंटिन्यू उसको ले रहे थे, पर ये हर समय कैंसिल कर देते अगले साल अगले साल। वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स था इनको क्या लगा, इलेक्शन के बाद ये लगाया जाएगा, बीच में 4-5 साल आते उसमें जनता भूल जाएगी और फिर हमको चुन के देगी। लेकिन वो उल्टा है, इलेक्शन लेट होने की वजह से ये कैपिटल टैक्स का प्रोसीजर भी लेट हो गया है और उस वजह से अभी ये लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे के खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों ने बहुमत से इस ठहराव को पास किया है, ये पब्लिक को सोचना चाहिए। अभी जो आने वाला इलेक्शन था, इस इलेक्शन में पब्लिक ने इस चीज़ को सामने रख के ही वोट करना चाहिए कि कौन पब्लिक के साइड से और कौन पब्लिक के अपोज में है। कैपिटल टैक्स को जिन नगर सेवकों ने सपोर्ट किया वही नगर सेवक आज कैपिटल टैक्स के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। तो जब भी आप सभागृह में थे तभी आपको इसका अपोज करना चाहिए था, ये ठहराव नामंजूर करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात क्या है, महानगर पालिका में कोई भी जो ठहराव होता है वो ठहराव अगर डिसकंटिन्यूट करना है, किसको रद्द करना है, तो 6 महीने के अंदर प्रशासन को भेजना पड़ता है। अभी ये 2016 को ठहराव हुआ है, ये अभी कैंसिल भी नहीं हो सकता है, अभी ये कैंसिल भी नहीं हो सकता है। इसके लिए ये सब भागदौड़ है, इलेक्शन सामने रख के ये लोग बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।